नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में 20 दिसंबर को अमरोहा जनपद में हुए उपद्रव के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मुकदमों पर सवालिया निशान लगाते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने आज अमरोहा डीएम और एसपी से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को अमरोहा जनपद सहित देश एवं प्रदेश के कई शहरों में नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में उपद्रव हुए थे, जिसमें कई गाड़ियों सहित सरकारी संपत्ति को भी तोड़ा गया था, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने उपद्रवियों की पहचान करते हुए मुकदमे दर्ज करते हुए गिरफ्तारियां शुरू की। तो आज पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम कार्यालय पहुंच गई और एक ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि पुलिस निर्दोष लोगों को परेशान ना करे। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ऐसे निर्दोष लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किए हैं जो उस दिन जिले में थे ही नहीं। उन्होंने एसपी से भी मांग की है कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। ठीक है, मैं किसी की निजी राय से नहीं कर सकता हूँ। मैं जहाँ तक समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो राय है जो है आपके सामने। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से जो है जो मुकदमे लगे थे जिन लोगों के खिलाफ, उनकी निजी संपत्ति से जो है वो आर्थिक नुकसान का भरपाई होगी तो उसको ले जाएंगे आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रहा, लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि इससे पहले हरियाणा में कितना बड़ा बवाल हुआ, पीछे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, इससे पहले गुजरात उसके अंदर वहाँ कितना बड़ा, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना तो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंटों को वहीं पे भी करना चाहिए था। और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है तो उसका पालन हो रहा है तो नियमानुसार होना चाहिए। किसी आदमी को आप कैसे ये करेंगे कि उसने सिर्फ लोग पीड़ित करने के लिए उन्हें नोटिस दिया जा रहा है? कम से कम पहले साबित तो करें कि क्या वाकई वो संपत्ति को खुर्दबुर्द करने में वो था, और जो खुर्दबुर्द करता है करने के अंदर शामिल था तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सरकार उसमें काम कर रही है तो उन्हें करने का हक है। ठीक, थैंक यू। मामला, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती अफान साहब का, और इस अमरोहा शहर के अपने जो भी जिम्मेदार कुछ हमारे साथ हैं और कुछ वो जिम्मेदार जिन्होंने इस अमरोहा शहर को एक बहुत बड़ी आग से बचाने का काम किया है। और हम लोग आज इसी ताल्लुक से मिले जो 21 तारीख के अंदर अमरोहा के अंदर जो CA और NRC को लेके एजिटेशन था और वो जिस तरह से वायलेंट हुआ था, उस संबंध में हम लोग कप्तान साहब से मिले, क्योंकि उसके अंदर जो नामजद लोग हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अमरोहा में भी नहीं थे और जिनका उस एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं था, जो उस जगह पे भी मौजूद नहीं थे, उन लोगों के भी नाम उसके अंदर हैं। तीसरा, 1500 लोग ऐसे अज्ञात के अंदर लिखे गए हैं और शहर के अंदर लोगों के अंदर एक डर का माहौल है और तरह तरह की चर्चा लोगों को परेशान कर रही है कि कल आपका नाम है इसमें, आपका नाम है, आपका नाम बढ़ जाएगा। तो उस लिए हम लोग अपने ज़िले के कप्तान, क्योंकि ज़िले के मुखिया हैं, और DM साहब से हम लोग मिले और उसने हम लोगों ने गुजारिश की कि इसके अंदर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी इसके अंदर निर्दोष लोग हैं उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाए। मंत्री जी, अपर्णा यादव जो है वो CA और NRC, किसी की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, जहाँ तक CAA और NRC के विरोध की बात है वो सब लोग जानते हैं। मैं सिर्फ सवाल इतना करता हूँ, अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी अभी वो गए रैन बसेरा के अंदर निरीक्षण करने, DM साहब आज पूरे ज़िले के अंदर रैन बसेरा के अंदर वो निरीक्षण करने गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरी गवर्नमेंट जो ये पूरे उत्तर प्रदेश में रैन बसेरा बना रही है वो किन लोगों के लिए बना रही है? वो उन लोगों के लिए बना रही है जिनके पास ना रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए जगह है, जो ठंड की वजह से मर ना जाए, गवर्नमेंट उन्हें बचाना चाह रही है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, उसमें ना कोई हिंदू है ना मुसलमान की बात कर रहा हूँ। रैन बसेरा के अंदर रहने वाले जिसके पास सोने के लिए कंबल तक नहीं है तो NRC में जब उससे वो मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो वो कहाँ से ला के देगा? क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो वो कहीं डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकता। तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग इस हिंदुस्तान के अंदर हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। विरोध इस बात का है, किसी की अपनी निजी राय हो सकती है, लेकिन हम लोगों का विरोध ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज समस्याएँ हैं देश के अंदर, बेरोजगारी की समस्या है, मंदी की समस्या है, महंगाई की समस्या है, किसान की, उन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे ला रही है जो देश को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से क्या कहेंगे कि अपर्णा यादव जो पार्टी के JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।